टिंकी को स्कूल से लेकर आना है। अब उठ जाए। क्या हुआ, आपको कोई लेने नहीं आ क्या? हमें जल्दी से गाजरे दे दे, मुझे देर हो रही है। टिंकी तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मुझे तो रास्ते में नहीं मिली। अच्छा बचा। टिंकी, टिंकी। रस्सी क्यों नहीं लाया मैं? लेकिन ये तो पता लगे कि जहन में ये एनर्जी आई कैसे, और ये मोमो कौन है? सारा कमरा फैला कर रखा हुआ है। इतनी बार कहा है कि गंदे कपड़े इस बास्केट में डाला करें। हर चीज को उसकी जगह पर ही रखना चाहिए। टिंकू उठे, ये देखे जरा, उल्टा सो रहे हैं। क्या हो गया है अम्मी, सोने देना। आज फिर आपने छुट्टी कर ली है। जो बच्चा देर तक सोएगा वो बहुत कुछ खोएगा। उठे जल्दी, टिंकी को स्कूल से लेकर आना है। अब उठ जाए। ये ले, उठ गया। ये देखे, नींद नहीं है आंखों में। और बोले, फटाफट जाकर तैयार हूँ। ओके बॉस। क्या हुआ, आपको कोई लेने नहीं आया क्या? टिंकू भैया अभी भी नहीं आए, अब क्या मुझे अकेले जाना होगा? टिंकू आप बाहर आ रहे हैं या मैं अंदर आऊं? बस आ गया अम्मी। हाँ, ये रहा आपका टिंकू। सारा पानी जाया किया है आपने। हमें जल्दी से गाजरे दे दे, मुझे देर हो रही है। टिंकू ये क्या हाल किया है वॉशरूम का? क्या हुआ अम्मी? टिंकी को लेकर आ जाए। आपकी सजा ये है कि वॉशरूम आज आप साफ करेंगे। जब दिल चाहता है छुट्टी कर लेते हैं, क्या करूं? आप इतने कमजोर और सुस्त हो रहे हैं, आपकी आंखें कैसे मुरझाई हुई हैं? एक्टिव रहने के लिए अच्छी नींद, डेली एक्सरसाइज और अच्छी डाइट की जरूरत होती है। अरे टिंकू, आप आज भी स्कूल नहीं आए? आ तो गया हूँ। ये अलग बात है कि टिंकी को लेने आया हूँ। इस तरह रोज रोज छुट्टी करने से आपकी स्टडीज पर बुरा असर पड़ेगा और आप क्लास में सबसे पीछे रह जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, टिंकी नजर नहीं आ रही। टिंकी तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मुझे तो रास्ते में नहीं मिली। अच्छा, कहीं वो ड्रैगन ट्री वाले शॉर्टकट से तो नहीं चली गई? वहाँ तो शिकारियों की जाल बिछे होते हैं। ओ नो 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 नो, ये मैं भी साथ चलता हूँ। बचा। टिंकी, टिंकू भैया। टिंकी भैया, भैया प्लीज मुझे बचाओ। हाँ मैं पहुँच गया हूँ, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपको यहाँ से निकाल लूँगा। समझाया भी है कि अकेले बच्चों को यूँ नहीं निकलना चाहिए। तो बड़े भाई को टाइम पे आ जाना चाहिए था ना? ओ, 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 रस्सी क्यों नहीं लाया मैं? हाँ एक मिनट रुके, मैं कुछ करता हूँ। मेरी गाड़ी में एक रस्सी पड़ी है, उसे निकाल ले। ये ले, इसे पकड़कर बाहर आ जाए। चले। आप बहन हो मेरी, पहले आप चढ़े। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। आप दोनों यहाँ खड़े हैं और अम्मी वहाँ परेशान हो रही है। जी, फिर ये हुआ कि जैन ने हमें बचा लिया। अच्छा, मैं जाकर सारे जंगल को बताता हूँ। देखा टिंकू, ना आप सुस्ती करके स्कूल की छुट्टी करते, ना टिंकी को अकेले जाना पड़ता और ना इतनी परेशानी होती। जी अम्मी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड बॉय। लेकिन ये तो पता लगे कि जहन में ये एनर्जी आई कैसे, और ये मोमो कौन है?
हाँ बस आवाज थोड़ी सी ऊंची है। कोई असर ही नहीं। इतने बड़े बड़े कान हैं, पर किस काम के? ये तो जंगल की जान है। सबको अच्छी अच्छी बातें और मैनर्स सिखाती है। सबसे पहले मिलते हैं टिंकी से। ऐसी सिचुएशन में तो दिल चाहता है बस ठंडा ठंडा जूस ही पीते रहो। अरे मैं आपका बॉस हूँ। चली गई, चली गई, हाँ चली गई, मुझे तो रास्ते में नहीं मिली। अच्छा ओ, रस्सी क्यों नहीं लाया मैं? क्या हुआ, आपको कोई लेने नहीं आ क्या? हमें जल्दी से गाजरे दे दे, मुझे देर हो रही है। लेकिन ये तो पता लगे कि जैन में ये एनर्जी आई कैसे, और ये मोमो कौन है? हो जाता है मेरे। और ये है इस घर की असल मिर्ची तो कान। बड़ा उछल उछल के खुद को टार्जन समझ रहे थे। इनका काम है लोगों के घरों में रहना, उनकी बातें सुनना और खूब मजे लेना, खाना पीना। ऐसी सिचुएशन में तो दिल चाहता है बस ठंडा ठंडा जूस ही पीते रहो और बस मिर्च मसाले लगाते रहना। यू सिली गाइस, तो कान ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तो कान को आप नहीं बता सकते क्या अच्छा है और क्या बुरा। इनको को कान देने से अच्छा है आप खुद ही कर ले। इनको की अकल तो घास चढ़ने गई है। इस दफा तो डॉक्टर नहीं दिमाग के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ कैसी लगी भाई की एंट्री? ओ बिचारी टिंकी, पता नहीं क्या होगा मेरा। रिजल्ट अनाउंस हुआ ही जाता है। ऐसी सिचुएशन में तो दिल चाहता है बस ठंडा ठंडा जूस ही पीते रहो। अरे होना क्या है, मैं बताता हूँ। यू सिली, नहीं भाई प्लीज ऐसा ना कर। तुम्हें कौन सी बात है? तौकान ने सब बता दिया है। मुझे इसका कोड बता। टिंकी को क्या हुआ? This cartoon series is sponsored by Tetra Pak. पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो बिचारी टिंकी। ओ फेल टिंकी फेल। टिंकी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, जो मेहनत करता है इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होता है। ऐसी सिचुएशन में तो दिल चाहता है बस ठंडा ठंडा जूस ही पीते रहो। अरे होना क्या है, मैं बताता हूँ। आप फर्स्ट आएंगी लेकिन एकदम नीचे से। नीचे से फर्स्ट मतलब? यू सिली गर्ल, मतलब फेल हो जाएंगी। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या आप खुद को पोजीशन होल्डर समझ रही हैं? टिंकू बेटा किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते, बल्कि कामयाबी के लिए दुआ देते हैं। रिजल्ट अनाउंस हुआ ही जाता है, पर उससे पहले एक बात ध्यान से सुने। टेट्रा पैक में महफूज दूध लाजमी पिएं और हेल्दी रहें। और अलवान वैली स्कूल की क्लास 4 में
स्टॉप किया है हमारी टिंकी ने। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो नन्नी मुन्नी प्यारी टिंकी, तुम्हें मुबारक हो। खुशियों के ये प्यारे लम्हे तुम्हें मुबारक हो। खूब पढ़ो और खूब लिखो और आगे बढ़ती रहो। दम 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 को चम 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 को हंसती खिलती रहो। नन्नी मुन्नी प्यारी टिंकी तुम्हें मुबारक हो। खुशियों के ये प्यारे लम्हे तुम्हें मुबारक हो। टिंकी मेरी प्यारी बेटी, I'm so proud of you। ये देखो आपका जबरदस्त गिफ्ट। Wow, this is so beautiful। इसमें बहुत मजे मजे की चीजें हैं और इसकी एक खास बात है, वो ये कि इसके ये प्यारे से पर मूव करते हैं और इसका ये रिमोट भी है। प्रेस करने से इस पे कलर्स, अल्फाबेट्स और काउंटिंग के साउंड्स भी आते हैं। ओ मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। टिंकी तो छोटी है, उनको वो बैग दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं। मैं वो बैग लेकर आऊंगा। टिंकू, ये बड़े छोटे की बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? टिंकी को अच्छे मार्क्स आने पे वो गिफ्ट मिला है। आप मेहनत करेंगे तो आपको भी मिलेगा। मुझे नहीं करनी कोई मेहनत। मेहनत मेरे प्यारे बेटे पानी बैठ के पीते हैं और किसी से जेलिस होना या उसकी कामयाबी पे उदास होना बहुत बुरी बात होती है। ये मेरा गिफ्ट है, आप मेरे साथ खेल ले। नहीं नहीं भाई, प्लीज ऐसा ना करें। इधर लाए ये बैग। नहीं भाई प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? सब खराब हो रहा है। अम्मी कोई है? भाई भाई नो, भाई प्लीज मुझे इसका कोड बताएं। 1 4 7। कौकान, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। कौकान को आप नहीं बता सकते क्या अच्छा है और क्या बुरा। टिंकी का बैग करो। ऐसे छुपाऊंगा कि मिलेगा ही नहीं। प्यारी बेटी टिंकी, आपने तो रो रो के खुद को बीमार कर लिया है। टिंकी को क्या हुआ? टिंकी ने इतना स्ट्रेस लिया कि बीमार पड़ गई। ये टिंकी रो क्यों रही है? वैन टिंकू ने मेरा बटरफ्लाई बैग छुपा दिया और उस बैग का रिमोट वो दरख पे। टिंकी आप फिकर ना करें। कोड प्रेस करो, बैग जहाँ भी होगा उसकी आवाज हमें आ जाएगी। 1 4 7 2 9। टूटने वाले बैग, तुम कहाँ हो? आवाज यहीं से आ रही है। क्या ये वही बैग है? यही है टिंकी का बटरफ्लाई वाला बैग। टिंकू भैया, मैं अपनी हर चीज आपको दे सकती हूँ। आप क्यों मेरी खुशी में खुश नहीं हुए? मेरे लिए ये बैग नहीं बल्कि आपकी खुशी इम्पोर्टेंट है। बैग आपके कबर्ड में रखा हुआ है। ये बैग अब आपका है, आपकी छोटी टिंकी। मुझे तौकान ने सब बता दिया है। मेरी प्यारी बेटी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ अम्मी, मैं शर्मिंदा हूँ। टिंकी मुझे माफ कर दे, और ये बैग सिर्फ आपका है। मैं भी मेहनत करूंगा और फर्स्ट आऊंगा। टिंकू भैया, मैंने आपको माफ किया। नन्नी मुन्नी प्यारी टिंकी तुम्हें। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जागो बच्चों जागो। मैं इन सब की तरह कमजोर नहीं हूँ। आज टिंकू आपको नाश्ता कराएगा। ये अंडा ही खराब था। ये कैसे हो गया? अरे होना क्या है, मैं बताता हूँ। ओके बॉस, बाय बाय। हाँ बस आवाज थोड़ी सी ऊंची है। कोई असर ही नहीं, इतने बड़े बड़े कान हैं पर किस काम के? तो जंगल की जान है। सबको अच्छी अच्छी बातें और मैनर्स सिखाती है। सबसे पहले मिलते हैं टिंकी से। मैं
ऐसी सिचुएशन में तो दिल चाहता है बस ठंडा ठंडा जूस ही पीते रहो। अरे मैं आपका बॉस हूँ।